लड़का हरा गमछा है, हरियर गमछा, इधर आ जाओ बाबू, आ जाओ भाई हो तुम, हरा गमछा मतलब बिहार में आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि इनके माता पिता का अच्छा इलाज हो, सही कि ना भैया, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि बैठ जाए, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। देखिए इनका शर्ट देखिए, चितिया गया है पूरा, चितिया गया है ना, क्यों? क्योंकि मेहनत की है ये। हम लोग भी जब दिन में रैली वैली करते हैं, मेहनत वेहनत करते हैं, तो हम लोग का भी शर्ट जो है चितिया जाता है, पूरा चितिया जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा, पूरा चितिया गया। का है, काहे कि इन्होंने मेहनत किया है, तो हम तो इनके लिए लड़ रहे हैं ना। जो ये कष्ट इन्होंने झेला है, इनका बेटा ना झेले, हम इनके लिए लड़ रहे हैं। एक्चुअल में हम इन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। हम जिस कास्ट से हैं, उस कास्ट के लिए तो हमने लड़ाई ही नहीं लड़ा, ये सच्चाई है। हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, वंचितों के लिए लड़ रहे हैं, हम उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि उनको उनका हक दे दो भाई। और उनका हक जो है ब्राह्मणों ने नहीं मारा है, भूमियारों ने नहीं मारा, राजपूतों ने नहीं मारा, जिन नेताओं ने बता दिया कि तुम्हारा हक इन लोगों ने मार लिया, नहीं मारा, इन लोगों का हक इन लोगों के नेता ने मार लिया। चाचा सही बोल रहे कि नहीं? नहीं सही, फैक्ट बात बोल रहा है, एकदम जेन्युइन बोल रहे हैं। ये गमछा ले लिए, ये गमछा 50-60 रुपए का, 100 रुपए का ले लिया, अपना पार्टी का प्रचार करना शुरू कर दिया। और इनको नहीं पता है कि इनके नेता जो है उनकी बेटी का बर्थडे जो है हर महीना हवाई जहाज में मनता है। क्या चीज में मनता है? आपके जो नेता हैं उनके बेटी का बर्थडे हर महीना हवाई जहाज में मनता है। आप वोट दीजिए उनको, लेकिन कहिए कि आपके बेटी का बर्थडे हवाई जहाज में मनेगा, तो हमारा भी बेटी का बर्थडे हवाई जहाज में मनना चाहिए, तब हम वोट देंगे। हम ही नहीं कह रहे कि आप हमको वोट दे दीजिए, आप उन्हीं को वोट दीजिए, लेकिन कहिए कि तेजस्वी जी आपके बेटी का बर्थडे हवाई जहाज में मनेगा, तो हमारी बेटी का बर्थडे कहाँ मनेगा, आप ही बताइए। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं, क्या चीज में? हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं और दिखाते भी हैं। उनके पिताजी का इलाज सिंगापुर में होता है, हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं, हवाई जहाज में बेटी का बर्थडे मनाते हैं, पिताजी का इलाज सिंगापुर में कराते हैं। भाई ये बेचारा हमारा भाई कहाँ जाएगा, ना हेलीकॉप्टर में ही मछली खा सकता है, ना हवाई जहाज में अपना या अपने परिवार का बर्थडे मना सकता है, और ना ही सिंगापुर में इसके पिताजी का इलाज होगा। तो हम तो इनके लिए लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 4 को भैंस लीजिए और 40 लाख का गाड़ी जो है अपने दरवाजे पे मेंटेन कीजिए। कौन बुरा कह रहे हैं? कोई बुरा थोड़ी कह रहे हैं, ये सच्चाई है कि ये लोग जिसको वोट दिए ना, MY समीकरण बना के जो वोट लिया गया ना, सबसे ज्यादा मुसलमान और यादव का ही नुकसान हुआ बिहार में। सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे वही लोग गए। आज बताइए गुजरात में पटेल पाटीदार पटेल समुदाय, जो हार्दिक पटेल ने आंदोलन किया ना, आज जाके देखिए कि वहाँ का पाटीदार जो सोसाइटी है वो सक्षम है, संख्या ज़्यादा है। महाराष्ट्र में चले जाए मराठा, ठीक है, उनकी संख्या ज़्यादा है, सक्षम है। राजस्थान में चले जाइए मड़वाड़ी, उनकी संख्या ज़्यादा है, जैन मड़वाड़ी उनकी संख्या ज़्यादा है, सक्षम है। राजस्थान में पर्टिकुलर राजस्थान स्टेट में, बिहार में किसकी संख्या ज़्यादा है अगर जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो? यादव। और बिहार में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति किन की है? यादव। अरे भाई तो हम आप ही के लिए लड़ रहे हैं, बस सवाल कर दिया नेताजी से और आपने हमारा हमको समझा नहीं। समझिए भाई, आप लोग समझिए, हम नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चों को जो है ये कष्ट झेलना पड़े भविष्य में। हम अपने बच्चे का तो भविष्य बना लेंगे, इतना तो काबिल हम हैं, भगवान ने इतना काबिल बनाया। हम लोग अगर सब लोग मिल के रहेंगे ना, एक दूसरे को गले से गले लगाएंगे और एक दूसरे के दर्द को समझने का प्रयास करेंगे, गमछा चाहे हरियर हो, चाहे लाल हो, चाहे भगवा हो, चाहे पियर हो, चाहे नीला हो, उससे जब हम लोग फर्क नहीं समझेंगे, अपने आप बिहार बदल जाएगा। और जिस दिन बिहार बदल जाएगा ना भाई, आपकी स्थिति ये नहीं रहेगी और आपके बच्चों की स्थिति ये नहीं रहेगी। बाकी आपकी मर्जी, मन है तो समझिए हमारी बातों को, मन है तो ना मत समझिए। नेताजी तो हेलीकॉप्टर में मछली खाइए रहे हैं, हवाई जहाज में हर महीना बेटी का बर्थडे मनाइए रहे हैं। तेजस्वी जी के बेटी का बर्थडे हर महीना मनाए, पता है आपको? फेसबुक पे जाके देखिए, हर महीना, एक महीना की हो गई केक काटो, दो महीना की हो गई केक काटो, अरे साल भर की भी हो जाएगी ना आपकी बच्ची, तो आपके पास 400 रुपया नहीं होता है कि 400 रुपया में मैं आधा केजी का केक लेके, 1 पाउंड का केक लेके आऊं। ये स्थिति है,
इसी चीज को बदलना है, और जिस दिन ये बदल जाएगा ना हमारा बिहार बदल जाएगा। सही है कि नहीं? सही बात है। और राजनीतिक बातें नहीं किया हूँ मैं, एकदम फैक्ट बातें किया हूँ कि चलिए हम लोग सब लोग मिल के एक साथ रहा जाए। काय लग लड़ेंगे नेता के चक्कर में हम लोग? आप लोगों की मर्जी भैया, समझिएगा तो ठीक है। भैया कुछ गलत बोले? ना, ना, नहीं नहीं बोले। चलिए।